यही गाना मैंने सुना था, मुझे लगा आपका फैन है, पर सच में इसके पास रहने को घर नहीं, भिखारी है ये। अनुराधा जी, उस दिन मैं किचन में थी तो मुझे बोलते जल्दी बाहर आ, टीवी पे कुछ आ रहा है। मैंने कहा क्या? कहते हो धूल। इतना आलसी बंदा है ये। मैंने जब से इसके साथ शादी की है ना, मैंने एक वक्त घर में चैन से खाना नहीं खाया। तू मुझे बता तो सही, तू चैन से खाना खाना चाहती है? मैं चमचे ना लाता है, मैं 2 साइकिल ले आता, चैन उतारता, चैन से खा लेती। तू कमाल कर रही है। वैसे मैंने और बोलना था उदित जी, लेकिन मैं इस बंदे को और बर्दाश्त नहीं कर सकती, और बीच में आप भी कितना मुझे कर रहे हैं। आप मेरी लाडली हो। मैं इनकी लाडली हूँ, इसीलिए मैं इस बंदे को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। उदित जी, मुझे जाने दीजिए, मेरे दिमाग की नस फट जाएगी इससे बात करते हुए। नहीं नहीं है इनके पास घर, इसीलिए मैं करता रहता हूँ सर सर सर। चलो कोई बात नहीं, और आप ना मेरे घर में कदम नहीं रखना। ओके 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 ओके, चले जा रहे हैं। सर ये लड़ाइयाँ तो होती रहेंगी, मैं आपका इतना बड़ा फैन हूँ, मैं 3-4 गाने तो आपके गा के जाऊंगा। इतना टाइम नहीं है। इतना टाइम क्यों नहीं है जी? हमने सीखा है, इनके पास टाइम नहीं था। एक दिन में 28 गाने रिकॉर्ड कराए थे, मैं 2-3 गाने भी नहीं गा सकता। आज मैं वाकई धन्य हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, इधर ले जाओ। थैंक यू, थैंक यू, क्या बात है। दादा, हमारे यहाँ पे ना एक हमारे गांव के हैं एक छेड़ूलाल जी, उनको मैं बोलता हूँ, मगर जब भी मेहमान आए बीच में नहीं आना, पर वो आता है। अच्छा, वो कुछ सवाल पूछता है, आप चाहे तो जवाब दे देना। वो ऑनलाइन ही आते हैं, सामने नहीं आते। अच्छा छेड़ूलाल जी। अच्छा अंदाजा जी, मैंने सुना आप इतनी धार्मिक है कि आप अगरबत्ती के पास से भी निकलती है तो अपने आप जल जाती है। मैंने सुना है आप लोग इतना मीठा गाते हो कि लोग आपकी आवाज में खो जाते हैं, तो वो फिर अपने आप मिल जाते हैं कि पुलिस में रिपोर्ट लगानी पड़ती है? और भी है दादा, और भी। उदित जी, आपके घर में सारे गाने वाले हैं, तो आपका साबुन राग बनाता है कि राग? ये प्यार है आपका, झाग के साथ राग बन जाता है या राग के साथ साबुन का झाग बन जाता है। अनुराधा जी, आपका एक गाना है ना कि आज फिर तुम पे प्यार आया है, तो वो कौन सा दिन है जिस दिन आपको सामने वाले पे प्यार आता है? मैं फिर उसी दिन आपको फोन करूंगा। उदित जी, कभी कभी बीवी नाराज होके मायके चली जाती है ना, जैसे मेरी आज गई हुई है, तो आपकी अगर चली जाती है तो फिर आप उनको मना के लाते हो कि सारी जिम्मेदारी नारायण पे छोड़ देते हो? अच्छा, नारायण सब उनको उन पे छोड़ देता हूँ। अच्छा, सब उन पे छोड़ देता हूँ। अच्छा कुमार सानू जी, आप इतने मीठे गाने गाते हो, तो आप शुगर फ्री वाले गाने क्यों नहीं गाते, ताकि शुगर के पेशेंट भी सुन सके? बहुत अच्छा। हाँ। ये आपके बहुत बड़े फैन हैं उदित जी। ये देखो, ये सर जो पीछे बैठे, कैसे सर, क्या नाम है सर आपका? नलिन पालेजा। अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पालेजा, आप काफी एंजॉय कर रहे हैं। मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। अकेले हैं आप, शादीशुदा नहीं है? अच्छा, वाइफ के साथ आए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। कपिल जी, आपका मैं बहुत फैन हूँ। शुक्रिया सर, थैंक यू। और इंस्टेंट कॉमेडी जो करते हो, गॉड ब्लेस यू। अरे थैंक यू सर, धन्यवाद। सिद्धू पाजी का मैंने देखा, वो कॉमेंटेटर जब भी होते हैं किसी मैच में, वो ना मौके पे ऐसा बदल जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैच चल रहा था, तो मान लो किसी ने एक सिक्सर मार दिया। हाँ। तो शुरू यहाँ से होते, गुरु आगाज से अंजाम का पता चल जाता है। हाँ। जिस तरह बल्लेबाज ने चौका लगाया, ये जरूर सैकड़ा लगाएगा। अगली बॉल पे अगर आउट हो गया, देखो ओवर कॉन्फिडेंस। देखो गुरु, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। वो बदल जाता है, तो अच्छे से कवर कर लेते हैं फिर अपनी बात, इसीलिए कमेंट्री आसान है। बट इनसे ये तो पूछ, वो कौन से लोग हैं जो ब्रेकफास्ट और लंच और फिल्मों की कहानी सुनाते हैं? कौन है बाजी वो? नहीं ना फिर भी यार। नहीं नॉर्मली वैसे मैंने देखा स्टोरी भी कभी, ये उनकी अपनी स्टाइल है। जैसे अब आपका शो लोग हंसते हैं देख के जी, आपका शो देखने के लिए लोग घर में खाना नहीं बनता, शनिवार इतवार को हमारे घर में खाना नहीं बनता। अरे मम्मी वहाँ बैठी है, उनके रूम में टीवी चल रहा है, कपिल शर्मा का शो आ रहा है। लेट आता है खाना, वो 7:30 बनता है। नहीं नहीं, अरे सब बैठे हुए, खाना अगर बन भी गया तो खाने वाला कौन है? खाने वाले भी एक एक रूम में बैठे हुए हैं। क्या बात है भाई। अगर मैं बाबा, मैं सही बता रहा हूँ, मैंने पापा को बताया कि मैं जा रहा हूँ शो पे, कपिल शर्मा के साथ शो हमारा है रिकॉर्ड करने। हाँ, वो इतने एक्साइटेड हो गए आपका शो देखने के लिए, वो सारे काम छोड़ देते हैं। बहुत बढ़िया, क्या बात है। वीरपा जी एक और चीज देखिए, जब आप कमेंट्री कर रहे होते हैं ना, कभी कभी ना कैमरामैन सीधा, जैसे कहीं बाहर मैच है तो बीच है बगल में ही, तो कैमरा बाहर घुमा लेते हैं और सडनली हम देखते हैं कि यार मैच के बीच में चलते चलते ना ऐसे कोई कपल लेटा हुआ है, इतने इतने और इतने इतने कपड़े पहन के, और एक ही नारियल में 2 स्ट्रॉ डाल के पी रहे होते हैं। तो प्लेयर्स को तो नहीं दिखता, कमेंटेटर्स तो देखते ही होंगे। तो फिर आपका मन नहीं करता यार एंजॉय करने वाली जगह पे हम लोग काम कर रहे हैं कि आप भी कमेंट्री खत्म करने के बाद नारियल पानी ढूंढते हो? यार 2014-15 से मैं कमेंट्री कर रहा हूँ, मैंने तो अपनी स्क्रीन पे जहाँ देख के मैं कमेंट्री करता हूँ ऐसा सीन नहीं देखा है। बट हाँ, मतलब अगर आ जाए तो भाई साहब इस पे ज्यादा कमेंट कर सकते हैं। अगर मान लो उनका दृश्य आ गया तो हम वहाँ चले जाते हैं कि देखिए आज धूप खिली है और यहाँ माहौल भी खिला हुआ है, बढ़िया। इंटरेस्टिंग चीज है वैसे कमेंट्री, है ना, सडनली कुछ भी हो सकता है, इम्प्रॉम्प्टू चीजें होती हैं। मेरे को सिद्धू बाजी का किस्सा याद आ गया, आप आए तो मैं सुनाता हूँ। तुझे सिद्धू बहुत याद आ रहा है। काफी याद आ रहा है। ये तो याद भी नहीं करने देती। जब वो कांग्रेस के प्रधान बन गए ना पंजाब के, इन्होंने नारियल चढ़ाए, कहती शुक्र है अब वहां पे बिजी रहेंगे। मैं सिद्धू बाजी के घर गए एक दिन ऐसे ही, तो सिद्धू बाजी कहते समोसे खाएगा, मैं खा लेंगे समोसे। तो मैं कहा समोसे आप तो खाते नहीं, मैंने क्योंकि कहते वो मेरे वो गिफ्ट आते रहते हैं। तो समोसे आ गए जी, तो मैंने भी ले लिया एक समोसा। मैं कहा आप खाओ। मैं बच्चू मैं मैदा बिल्कुल नहीं, अच्छा 20 साल हो गए मैदा मैं नहीं खाता। मैं कहा फिर क्या खाते हो? मैं 8 तरह के फल, उनका जूस, ये वो सट लटरम पटरम, आटा मैं हाथ नहीं लगाता, और शाम को 6 बजे के बाद मैं खाता नहीं। मैं कहा अच्छा यार भाजी, हालांकि लग नहीं रहा था कहीं से कि ऐसा कुछ करते हैं। फिर ना हमारे अमृतसरी कुलचे बड़े फेमस है ना, वहाँ तंदूरी मैदे के होते हैं। कहते मैं तो मैदा हाथ नहीं करता। फिर मेरे को कहते बात सुनो, मोनू का कुलचा खाया कभी? मैं कहा मोनू अपना वो अपना एयरपोर्ट रोड वाला? हाँ हाँ। मैं कहा हाँ जी भाजी खाया, वो बड़ा स्वाद होता। मैं कहा आपको कैसे पता स्वाद होता? चुपचाप खा भी लेते हो। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल. Click the show links and enjoy watching the videos.